ये है नवाब का उस टाइम चोर दरवाजा, वो देखिए, हेलो वो देखिए, नीचे देखिए बैठ के वो पानी दिख रहा सर है, पानी में एकदम कलर टीवी, जहाँ टिकट चेक कराए अंदर एंट्रेंस का गेट हरा हरा नीम का पेड़, बाहर का दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पा रहा है ना, अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको कुछ नहीं दिखा था बाहर, ये उस समय का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा ना, कलर दिख रहा है ना बढ़िया। Hey guys, welcome back all of you to my new vlog. I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो guys, जो आप फिलहाल देख पा रहे हैं ये है रूमी दरवाजा, ये रूमी गेट के नाम से आप इसको जानते हैं। रूमी दरवाजे से होकर के अब हम जा रहे हैं बड़े इमाम बाड़े की तरफ, और बड़े इमाम बाड़े में आपको आज दिखाऊंगा बावड़ी। तो चलिए चलते हैं बावड़ी की तरफ। जो आप अब राइट हैंड साइड में देख रहे हैं यही बड़ा इमाम बाड़ा है। अब हम बड़े इमाम बाड़े में एंट्री कर गए हैं। जो बीच में आप दरवाजा देख रहे हैं वहां से आप इमाम बाड़े के अंदर एंट्री करते हैं। ये आप इमाम बाड़े के बारे में इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम इमाम बाड़े के मेन प्रांगण में आ गए हैं। मैं आपको चारों तरफ से इसका व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से यहाँ पे इमाम बाड़ा कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये मस्जिद भी एक बनी हुई है इमाम बाड़े के अंदर। हम जो बड़े इमाम बाड़े में बावरी है वहाँ पर आ गए हैं। भैया इसकी हिस्ट्री बताएंगे, आप गेट देखिए किस तरह से बना हुआ है पुराना। ये काफी पुरानी लकड़ी का प्रतीत होता है, जर्जर हालत में हो चुका है, देखिए टूटा फूटा है, पड़ा है बिल्कुल। ये अब देखिए सर, ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग अंदर जल महल है। जल महल मतलब पानी के नीचे भूल भुलैया है जमीन के अंदर। यहाँ पे सबसे अच्छा खूबी ये बना है सर कि वो जो पानी पड़ा है गेट के चैनल में, पानी अंदर थोड़ा कीचड़ दिख रहा है ना काला, हम आपको अभी 20 फीट नीचे ले जा रहे हैं। तो इस काले पानी में जो बाहर गेट पे लोग आ रहे हैं उनकी फोटो हम अंदर दिखाएंगे इस पानी में, एकदम कलर टीवी की तरह रंगीन। यहाँ नहीं दिख रहा है, अंदर चल के पानी में दिखेगा। आगे आगे ने सबसे पहले इस बिल्डिंग को बनाया है, इसके बाद उधर भूल भुलैया बनाए, सबसे पहले ये बनाए। ये सन 1771 में बनना शुरू हुआ है और 1780 में बनके तैयार हुआ, यानी 9 साल में केवल ये बनाए, 9 साल। इसको ईरान के इंजीनियर आए थे, किफायतुल्ला नाम था ईरान के इंजीनियर। इसके अंदर कोई सीमेंट या सरिया नहीं है, इसका बनावट का मसाला है गुड़, गोंद, उड़द का दाल, सिंगाड़े का आटा, चूना, सुर्खी सहित से बना है, सीमेंट नहीं है। उस टाइम सीमेंट नहीं था, चूना सुर्खी उड़द का दाल लगाए। अब आप वहां चल रहे हैं जहां पानी में दिखेंगे लोग, कलर टीवी। ये है नवाब का उस टाइम चोर दरवाजा, वो देखिए, हेलो वो देखिए, नीचे देखिए बैठ के वो पानी दिख रहा सर है, पानी में एकदम कलर टीवी, जहाँ टिकट चेक कराए अंदर एंट्रेंस का गेट हरा हरा नीम का पेड़, बाहर का दुश्मन इस समय आपको नहीं देख पा रहा है ना, अभी बाहर आप खड़े थे तो आपको कुछ नहीं दिखा था बाहर, ये उस समय का कैमरा है सीसीटीवी कैमरा ना, कलर दिख रहा है ना बढ़िया। ये हम ऊपर चल रहे हैं, भैया ने बोला ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे बावरी पे हम ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जा करके देखते हैं यहाँ पर क्या है। आपको थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लाइट कम है, तो आपको इससे थोड़ा सा यहाँ पर लाइट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं आपको अब यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से पूरा दिख रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से पूरी बावरी है यहाँ पे, वो आप देख रहे हैं। इसमें लेवल बनाए गए हैं 1, 2, 3 और ये 4, ये टोटल 4 फ्लोर में इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। यहाँ पे अंदर जो भूगर्भीय जल होता था वो आता था, फिर यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करते थे इसके लेवल के अनुसार, इसमें कितना जल था
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पत्थर के ऊपर कितना अच्छे से वर्क किया गया है। ये एक फ्लोर और ऊपर है, एक इससे भी ऊपर फ्लोर है, उस पर भी चलते हैं। मैं आपको वहां से भी चल के देखने की कोशिश और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं वापस से, ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। देखिए इसको रिपेयरिंग कर रहे हैं ना सर, रिपेयर से भर गया है ना, ब्लॉक है। पहले ये आगे बौली थी, बौली को हिंदी में कुआं कहते हैं ना, कुआं। इस कुएं में बताते हैं कि आज से 210 वर्ष पहले नवाब आसफ़ुद्दौला क्या एक नौकर थे मेवालाल खजांची। अंग्रेज लोग मेवालाल से नवाब का खजाने की चाबी नक्शा हथियाना चाह रहे थे, पर मेवालाल नक्शा चाबी लेके इस कुएं में कूद गए, उनका लाश नहीं मिला। क्योंकि ये कुआं उस समय 265 फीट गहरा था और गोमती नदी से इस कुएं का कनेक्शन था। ये उस समय पानी इसका सब गोमती नदी का आता था ना, गोमती से पानी था कुएं में। नक्शा बना था ना चाबी, खजाने का रेट को पता नहीं चला। अब ये देखिए ये जो छोटे दर हैं, ये इंजीनियर ने इसलिए छोटा बनाया कि आप सब लोग अपना अदब से निकल के चले वरना सर झुका के आइए। ये नवाबों का शहर है, सब अदब से आइए सर बचा के। अब जैसे अभी आप बिल्डिंग देखने में आपको टाइम लगा था, पर बाहर आने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये भी एक मेन भूल भुलैया है ना, एकदम निकलने में आइए सर इधर, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। देखियो बताइए सर जी, है बढ़िया। और गए कहाँ से थे? नीचे से गए थे ना हम लोग, यही गेट देखा था ना सर, पानी में बाहर नहीं दिखेगा ना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आप सभी लोगों को जो मेरा शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग रहा है ये अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी वीडियोज़ के फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, गुड बाय।